ये बात इस रवायत को नकल किया है कि मैं एक दोस्त बैठा तो अपने घर में खाना खा रहा था। अगर कोई शख्स आपके सामने दस्तराजी कर रहा है, सवाल कर रहा है, तो अपनी इज्जत को नीलाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या ये किसी हुसैनी आली के चाहने वाले के लिए जिसे देता है कि अली का चाहने वाला अपने हाथों अपने हाथ को फैलाए सवाल करे किसी के सामने? इससे पहले वो सवाल करे आप क्यों नहीं महसूस कर सकते कि हाँ वो मोहताज है, उसे जरूरत है? हो सकता है कि उसकी गैरत न गवारा कर रही किसी के सामने हाथ फैलाए। सैयद दारुल उलूम ने वो आलिमदीन फरमाते हैं रजब के उन्होंने वाक्य नकल किया है कि एक रोज मैं अपने घर में दस्तरखान पर बैठा ही था खाना खाने के लिए कि दरवाजे पर दत्तुल बाब हुआ। मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि सैयद दारुल उलूम का गुलाम है, खादिम खड़ा हुआ है। मैंने पूछा क्या बात है, तो कहा कि आपको सैयद ने तलब किया है। आलिमदीन फरमाते हैं कि मैं अपने दस्तरखान को छोड़कर फौरन सैयद की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम किया। सैयद बारुल उलूम फरमाते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम्हारा पड़ोसी के यहाँ ये नौबत आ गई कि फाका हो रहा है और तुम्हें खबर नहीं है? सैयद वो आलिमदीन फरमाते हैं कि आदा माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। सैयद बारुल उलूम फरमाते हैं अगर तुम जानबूझकर ऐसा करते तो तुम दारे ईमान से बाहर थे, तुम ये कुफ्र करते लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था। लिहाजा सैयद बहरुल उलूम ने एक तश्त मंगवाया, एक सीनी मंगवाई, उसमें कुछ गजाएं रखकर खानपोश से ढक कर उसके बाद उस आलिम दीन के हवाले किया और कहा कि ये ले जाओ और उससे ये कहना, देखिए उलमा का मकाम क्या है, उलमा किस बुलंदी पर जाकर सोचते हैं। हाँ आज ये दौर है कि हमको आलिमों से, हमको उलमा से मुतनफ़िर किया जा रहा है, हमको उनसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। उलमा इतने बारीक भी होते हैं। क्या फरमाते हैं बहरुल उलूम के ये खाना लेकर जाओ और उससे ये कहना कि भाई आज मेरा दिल कह रहा था कि मैं आपके साथ खाना खाऊं, मेरा ये दिल कह रहा था कि आज मैं आपके साथ खाना नोश फरमाऊं। वो आलिमदीन फरमाते हैं कि मैं दस्तरखान लेकर मैं वो खाना लेकर उस शख्स के दरवाजे पर पहुंचा, दखल बाद के उसने दरवाजा खोला, मैंने कहा कि आज मेरा दिल था कि मैं आपके साथ खाना नोश फरमाऊंगा। उस शख्स ने कहा कि ला ये तशरीफ ला, खैर मकदम है। लेकिन जब उस तश्करी से, उस सीनी से जब उस खानपोश को हटाया गया तो उसने जो गजाएं देखी तो वो फौरन ठहर गया। उसने कहा कि किबला पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए तभी मैं खाना खाऊंगा, ताकि फरमाइए, ताकि ये बताइए कि ये आपको भेजा किसने है यहां, क्योंकि ये आपके यहां का खाना नहीं, ये किसी अरब के मानिंद घराने का ये जो दस्तरखान जो खाना है, इसमें जो गजाएं हैं। आखिरी को सालिमदीन ने बताया कि मुझे बहरुल उलूम ने तुम्हारे पास भेजा है। वो फरमाता है कि इसे किबला आज इस वक्त हमारे हालात बड़े उदासोक थे, रिस्क की तंगी थी, पैसा नहीं था, खाना नहीं था, कुछ दिन खजूरों पे गुजारा किया, यहां तक नौबत आ गई कि खजूरें भी खत्म हो गई, एक दो रोज दुकान से उधार लेकर मैंने खाया, अब तो ये नौबत आ गई थी कि आज मुझे दुकानदार ने भी खजूर नहीं दी। और खुदा गवाह है कि इसका इल्म सिर्फ या तो मुझे था या मेरे परवरदिगार को था, ऐसा मौका मुलाजा फरमाया आपने। उलमा है हमारी कौम के, आज हमें इनसे मुतनफ़िर किया जा रहा है। लिहाजा इससे पहले कि किसी की इज्जत, किसी की आबरू नीलाम हो, आप और हमें बाखबर होना चाहिए अगर खुदा ने हमें नवाजा है। तमाम की तमाम इज्जतें परवरदिगार के हाथ में, तमाम के तमाम मर्तबे परवरदिगार के हाथ में। वह तो इज्जत मन दशा, वह तो सिर जो मन दशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसको इज्जत देता है, जिसको चाहता है उसे सली और रुस्वा करता है। इन्न इज्जत फी ताअती, तमाम की तमाम इज्जत दाऊद मेरे हाथ में है, मेरी इताअत में। हम कहां तलाश कर रहे हैं, हम कहां तलाश कर रहे हैं, हम दरबार में तलाश कर रहे हैं, उमरा के हम सलातीन के यहां तलाश कर रहे हैं कि उनके बराबर बैठ जाए तो हमारी इज्जत बढ़ जाए। खुदा कह रहा है कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए है तो हमारी बारगाह में आओ,
हमारे मुक्ति हो जाओ, हमारे फर्म बरदार हो जाओ। और याद रखो कि जिस दिन तुम हमारे फर्म बरदार हो गए, जिस दिन तुमने हमारी तहरीज पर आकर सर झुका दिया, तो हम तुम्हें इतना बुलंद कर देंगे कि पूरी दुनिया अगर चाहेगी तुम्हें मिलकर के सलील कर सके तो कोई तुम्हें सलील नहीं कर सकता। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए लेकिन तुम्हें कोई सलील नहीं कर सकता। अली इब्न अबी तालिब की ज़ाते गिरामी इस हदीस की रोशनी में अगर आप ज़ाते अमीर मोमिन का जायजा ले तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया और उस वक्त से लेकर आज तक तमाम की तमाम ताकतें सलातीन सबके सब इकट्ठा हो गए के मरतबे को कम कर सके। लेकिन तारीख ही रह गया, अली कल भी अली थे, आज भी अली है, कल भी अली है। सलावात पढ़े मोहम्मद अली मोहतरम के मौला कायनात ने फरमाया था, इलाही कफा बी इज्जन अन अकून ली अब्दन। एक परवरदिगार क्या जायका है अगर आप इस जुमले की तह में जाए तो आप महसूस होंगे, लुत्फ आएगा कि क्या साहिबा है इस मौला के कौल में। एक परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं, अल्लाह मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। आप अगर मुलाजा फरमाए, आप सोचे कि मौलाए कायनात अपनी इज्जत के मकाम पर क्या कुछ नहीं बयान कर सकते थे। मेरी इज्जत के लिए यह काफी है कि मैं रसूल का दामाद हूं, मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं शौहरे बतूल हूं, मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं रसूल अल्लाह ने मुझे अपना मता किया था, मेरी इज्जत के लिए काफी है कि खुदा ने अपना घर मुझे दिया था, तमाम के तमाम तबरात मौजूद है। मेरी इज्जत के लिए काफी है कि रसूल ने मुझे अपना भाई कहा, मुझे अपना खलीफा कहा, मुझे अपना वसी कहा, मुझे अपना वजीर कहा, मुझे अपना जानशीन कहा, तमाम की तमाम इज्जत थी। लेकिन मौलाए कायनात मकाम इज्जत पर फरमा रहे हैं एक परवरदिगार मेरे लिए सिर्फ यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। आप अंदाजा लगाएं मेरे लिए बस यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। वकफा भी फखरन अन तकून ली रब, और मेरे फख्र करने के लिए यही काफी है कि तू मेरा रब है। तो मौलाए कायनात को इतना मर्तबा इतनी इज्जत मिली कैसे? परवरदिगार ने फरमाया था कि दुनिया उम्र और सलातीन की खिदमत में इज्जत तलाश करती है, दर हकीकत इज्जत हमारी इताअत में है, इज्जत हमारी बंदगी में है। ऐसा नहीं होता, इज्जत इज्जत यानी इस्तेकाम, इज्जत यानी कुव्वत, जिल्लत यानी नरमी। नरमी से मुराद ये नहीं है कि जो इंसान नर्म हो गया वो जलील हो गया। बाज मकामात ऐसे हैं कि जहां पर नरमी ही इज्जत की बारिश है, लेकिन हर जगह नरमी अच्छी नहीं है। जुल्म के सामने अगर कोई नरमी अख्तियार करे तो जलील तो होगा ही, गुनाहों के सामने इंसान अगर नरमी अख्तियार करे तो जलील तो होगा ही, शयातीन के सामने अगर इंसान नरमी अख्तियार करे तो जलील तो होगा ही। लेकिन बाज जगह पर नरमी मुफीद है, परवरदिगार ने कुरान मजीद में कहा कि अभी अगर आप नरमी ना अख्तियार करते, अगर आपके लहजे में नरमी ना होती तो ये लोग यकीनन आपसे दूर हो गए होते। ये आपके अखलाक और नरमी की वजह है कि लोग आपसे इतने करीब हैं। या जब मूसा को फिरौन के दरबार में भेजा कि मूसा जाओ फिरौन को समझाओ, लेकिन नरम लहजे में, फिरौन को समझाओ लेकिन नरम लहजे में। फिरौन के मुकाबले में नरमी अख्तियार करने के लिए नहीं कहा, समझाने के लिए कहा कि नरम लहजे में। परवरदिगार तुझे मालूम है कि इस घर में बाधा नहीं है, तेरे मुकाबले में खुदाई का दावा किए बैठा है। परवरदिगार यही समझा रहा है कि हमारे अंदर आपके दरमियान क्या होता है, दो चार मजलिस बड़ी नमाज पढ़ो, ये पढ़ो, बोले तुम्हें छोड़ो ये सुधरने वाले नहीं है। लाख में चार साल से पांच साल से दो साल से कहते हैं लाख कहते नहीं, हम जरा सी देर में हम उन चाहते हैं कि ये सुधारने वाले नहीं है, ये किसी दूसरे पे फतवा देने उनको समझाने से क्या फायदा, तो राय राज पर नहीं आएंगे। परवरदिगार समझाना ये कह रहा है कि तुम्हारा फर्ज है कि तुम आखिर वक्त तक अमर बिल मारूफ करते रहो,
ये तुम पर लाजिम है कि तुम आखिर वक्त तक उसको नेकी की हिदायत करते रहो। फिरौन जैसा परवरदिगार कह रहा है मूसा, देखो उससे नर्म लहजे अख्तियार करना बहुत जरूरी है, शायद क्यों मेरी बात काम पर रखा जाए। इज्जत अल्लाह के हाथ में, इंसान कोई चाहे किसी को सलीम कर दे तो कोई किसी को सलीम नहीं कर सकता है। बस इतनी बात जहन में रहे, इज्जत देने वाला अल्लाह है। और इज्जत कैसे मिलेगी? अल्लाह की इताअत में, अपने आप को अल्लाह की बंदगी में मसरूफ रखिए। इताअत सिर्फ और सिर्फ नमाज तक महदूद थोड़ी है, इताअत सिर्फ और सिर्फ रोजे तक महदूद थोड़ी है। हम जिसे छोटा अमल समझ रहे हैं, हमारी नजर में वो छोटा है, खुदा की नजर में जाने कितना बड़ा उसका मकाम है। राह में कांटा पड़ा हुआ है, शीशा टूटा हुआ शीशा पड़ा हुआ है, अगर आप उसको इस नीयत से हटा दें तो पता नहीं किसी बंदे मुंह को इससे असियत पहुंचे। आप समझ रहे कि बहुत छोटा अमल है, लेकिन खुदा की बारगाह में ये बहुत बड़ा अमल है। खुदा की बारगाह में बहुत बड़ा अमल है। किसी की आबरू को महफूज रखना, किसी के दस्त दराज करने से पहले आपका अता करना, ये बहुत बड़ा अमल है। ये है अल्लाह की इताअत। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो अल्लाह की इताअत में सर्वस्व हो जाएगा। सवाल तुम्हें साहिब मुकर्रम इज्जतदार वो शख्स है अल्लाह की नजर में जो जो मुत्तकी। तमाम की तमाम अहदीस आया आपने सुने, कौन है इज्जतदार? सैयद, पठान, शेख, अंसारी, इक्याना, असियाना, अरब, अजम, हर शख्स अपने अपने एतबार से। तुम अच्छा कोई दुनिया में ऐसा है कि अपने आप को कमतर समझो? सब समझते हैं कि हम आला हैं, हमारे परदादा ये थे, हमारे वो थे, हमारा ताल्लुक उन खानदान से, हमारा ताल्लुक फलां खानदान से। हर आदमी अब किसी भी दुनिया में सब अपने आप बताते हैं कि हम जमींदार थे, वो फलां काश्तकार थे, फलां घर वाला थे, फलां ये थे, फलां वो थे। कुरान ने बस ये एक बात कही है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में साहिब इज्जत वो है कि जो मुत्तकी है। अपने जहन से ये बात निकाल दो कि तुम क्या हो। हमारे नजदीक साहिब इज्जत वो है कि जो मुत्तकी और परहेजगार, बस इसके अलावा कोई साहिब इज्जत नहीं है। परवरदिगार मुत्तकी किसको समझे? जो हर साल खाना काबा पे जाके हर साल हज करे, सर मुड़वाए, परवरदिगार मुत्तकी किसको समझे? उसको समझे कि जो 20-25 हजार करेंगे कुर्बानी में, कुर्बानी के बाद पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा बकरा कुर्बान करे। परवरदिगार मुत्तकी उसको समझे कि जो हर वक्त मस्जिद में पड़ा रहे, नमाज पढ़ता रहे, या 24 घंटे में शायद 2-4 घंटे उसके हाथ से तस्वीर छुपे, या लंबी गाड़ी वाले को मुत्तकी समझे। परवरदिगार हम किसको मुत्तकी समझे? कोई अलामत तो बता, कोई एक अलामत तो होनी चाहिए कि एक मियार तो होना चाहिए कि जो इस मियार पर खरा उतरेगा वही मुत्तकी। कुरान ने कहा, हम बताऊंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। सुनने परवरदिगार ने अलिफ लाम मीम जिसका तर्जुमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को नहीं मालूम। ज़ालिकल किताब होता रहेगा, ये वो किताब है कि जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कौन सी किताब है ये? हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। फिर मुत्तकी की बात आ गई है। परवरदिगार कौन है मुत्तकी? तो परवरदिगार ने कहा सुनो, हुदल लिल मुत्तकीन कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब,
मुत्तकी की पहली निशानी है कि वो गैब पर ईमान रखता है। ये किसी मौलवी का फतवा नहीं है, ये हमारा हमारी खिताबत नहीं है, ये कुरान है कि जो बता रहा है कि मुत्तकी कौन है। हुदल लिल मुत्तकी, मुत्तकी के लिए हिदायत कौन है? युमिनून बिल गैब वयुकीमून الصلاه वयूतून الصلاه ومما رزقناهم ينفقون। गैब पर ईमान रखता हो पहली शर्त। आप छत पे चढ़ना है तो पहले सीने पर कदम रखेंगे तभी तो अपने सीने पर पहुंचेंगे। मुझे इस मेंबर की बुलंदी कराना है तो पहले सीने पर मैं कदम रखूंगा तभी यहां तक पहुंचूंगा। या अगर मैं कूद के इसमें डायरेक्ट आऊं, पहली शर्त है कि गैब पर ईमान रखता हो, नमाज कायम करता हो, ज़कात अदा करता हो, और जो कुछ आखिरी शक्ति बतौर खास और जो कुछ परवरदिगार ने उसे दिया है उनमें से खर्च करता हो, इकट्ठा करके ना रखता हो, बैंक बैलेंस बना के बिगड़ लेना है, 2500 का जमीन इलाज बंद नहीं देती, वहां पर प्लाटिंग हो रही है, जो कुछ किया उनमें से खर्च लीजिए करिए, लेकिन ऐसा आप नजरअंदाज ना करिए। पता नहीं कि किस किस का हिस्सा आपके रिश्ते में किसकी बदौलत आपको मिल रहा है, आपके माँ बाप हैं, आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, हर एक का हिस्सा आपके रिश्ते में शामिल है, पता नहीं किसके नसीब से आपको ये रिश्ते मिल रहा है। ऐसा ना समझिए इससे बात की मेहनत है, लिहाजा बस अपने तो यू मिलू ना मिल गए। कौन मुत्तकी है कि जो गैब पर ईमान लाए? गैब क्या है? गैब क्या है? जो सामने ना हो, जो नजर ना आ रहा हो। जन्नत गैब, जहन्नम गैब, सवाल मुनकिर नबी, हूर, गिलमान, ये सारी चीजें गैब हैं। युमिनून ना बिल गैब, जो गैब पर ईमान ले आए वो मुत्तकी है।